हाय गाइस मेरा नाम है संचित और आप दिख रही है टेक बार आज आप बात करने वाला हूं म्यूजिक सर्विसेज के बारे में लिटरली मैंने बैक टू बैक सारी म्यूजिक सर्विसेज खरीदी और उनको बहुत लंबे समय तक टेस्ट किया और उनमें मतलब एक्सपीरियंस लिया मैंने कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि म्यूजिक सर्विसेज अभी यूज नहीं करते बट फ्यूचर में यूज करना शुरू करेंगे तो इसीलिए मैंने जितनी भी म्यूजिक सर्विसेज थी ना सारी खरीद के उनको रैंकिंग दी है जितनी भी इंडिया में पॉपुलर थी तो आज मैं आप हाँ लोग को बताने वाला हूं वर्स्ट से बेस्ट कौन कौन सी म्यूजिक सर्विसेज है तो यहां पर आठ मुझे टोटल मिली है तो जल्दी से रैंकिंग शुरू करते हैं तो एक गाना चलाते हैं अच्छा काम नहीं करता ना ही ऐसा है कि कुछ दिन बाद जब आप गाने सुनते हो इसमें तो वो कुछ एक अलग सी प्ले लिस्ट क्रिएट करते मुझे वो मजा नहीं आया जो कि बाकी पेड सर्विस में मिल रहा है इसकी यूआई इतनी ज्यादा बोरिंग लगी मेरे को मतलब समझ में थोड़ी कमा रही थी और जो ऑडियो क्वालिटी है जो मतलब जो आती है म्यूजिक प्रोसेसिंग जो होती है वो भी बहुत बेकार करता है ना लाउडनेस इतनी लाइक like, ओके okay सी है लाइक बिलो एवरेज में इसको बोलना चाहूंगा हर एक डिपार्टमेंट में 99 में तो भाई देखो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये सबसे लास्ट पॉइंट पे है और गाइज अगर आप लोग को ऐसे टॉपिक्स पसंद है जो कि मैं नई नई चीजें कवर करने की कोशिश करता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मेरी कोशिश रहती है कि बेस्ट और हाई क्वालिटी कॉन्टेंट आप लोग के लिए लेकर आता रहूं और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और बहुत मोटिवेशन मिलती है और अगर वीडियो डलने के एक घंटे के अंदर अंदर कमेंट करोगे तो मेरी कोशिश रहती है कि आपकी कमेंट को लव करूं या फिर आपको रिप्लाई तो कमेंट जरूर करना गाइज तो इसी बात पे आ जाते हैं सेवन स्पॉट के ऊपर जो कि मैंने दिया है चढ़ना नहीं आप लोगों को इस बात के लिए स्पॉट मैंने इसको दिया है है वैसे वैल्यू फॉर मनी के डिपार्टमेंट में नंबर है। क्योंकि आप अमेजोन की जो प्राइम मेंबरशिप है वो खरीदते हो तो आपको जो है ये फ्री मिलती है एक तरीके से लेकिन अगर मैं इसको बाकी सबसे कंपेयर करता हूं ना तो इसकी जो म्यूजिक की क्वालिटी आती है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है भाई तो पर्पज तो सॉल्व ही नहीं हो रहा ना अगर आप किसी बड़े स्पीकर पे चला रहे हो तो ये उस एक्सट्री आउटपुट आपको नहीं दे पाएगा तो इसलिए मैंने इसको जो है सेवन स्पॉट दिया है। इसकी यूआई में ओके बताना चाहूंगा सजेशन एवरेज बिलो एवरेज मिक्सी फीलिंग सजेशन को लेकर बॉलीवुड ही अच्छा कर लेता है बट जैसे कि रीजनल सॉन्ग्स हो गए या फिर हरियाणवी रीजनल सॉन्ग हो गए या फिर अगर मैं बात करूँ रैप म्यूजिक के बारे में जो कि इंडिया में आजकल बहुत ही बूम पे चल रहा है तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसके अंदर काफी सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे जो यहाँ पर इन लोगों ने रखे ही नहीं अमेजोन म्यूजिक ने तो इसीलिए ये सेवन स्पॉट अब सिक्स स्पॉट में दे रहा हूं गाना ऐप को और ये नाइनटी नाइन लेते हैं पर मंथ के मैं सारे पर मंथ की बातें कर रहा हूँ खैर अब अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये बॉलीवुड म्यूजिक बहुत अच्छा सजेस्ट करते हैं तो अगर आप बॉलीवुड बहुत ज्यादा सुनते हो तो आपको जो एक देखने को मिलेंगी और गाना ऐप का जो है काफी ज्यादा जीवो सावन के लाइक बहुत ही सिमिलर सी फीलिंग दे रहा था सर्च इंजन भी अच्छा है इसका और यू भी मेरे को बहुत अच्छी लगी है यूजर फ्रेंडली थी और आउटपुट भी लाइक अब एवरेज आ रहा था गाइस फिर से बता रहा हूँ बॉलीवुड के लिए तो बहुत अच्छा है और ऊपर से लिरिक्स वगैरह भी आ जाते हैं उनकी सजेशन ठीक है बट रीजनल की सजेशन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी फिफ्थ स्पॉट गाइज मैंने दी जियो सावन को और ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है यार सिर्फ थर्टी नाइन रुपीज लेते हैं लोग और उसके अंदर जो है बिल्कुल एड फ्री म्यूजिक मिल जाता है बहुत ही ज्यादा कमाल की यू है मेरे को बहुत अच्छी लगी इनफैक्ट इसकी इनकी जो सजेशन थी गानों की चाहे वो बॉलीवुड हो रैप म्यूजिक हो रीजनल सॉन्ग हो लाइक मैं इनको अच्छा बता सकता हूं क्योंकि अगर आप लोग जो बहुत ही कम पैसा खर्चना चाहते हो ना तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऐप अवेलेबल है जो आपको खरीदनी चाहिए मैं बाकी किसी के लिए स्टेटमेंट यूज नहीं करूंगा मेरे को जो है पर्सनली जियो अच्छा लगा और अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो ऑडियो भी इसने बहुत अच्छे से प्रोसेस करी है लाउडनेस

मैं आप लोग को बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा कमाल का रहता है मेरे को बहुत अच्छा लगा है मैं भी यूज करता हूँ बट सिर्फ इंटरनेशनल म्यूजिक सुनने के लिए तो इसलिए फोर्थ स्पॉट यहां से गाइस लिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है तो मैं थर्ड स्पॉट देना चाहूंगा विंक म्यूजिक को एयरटेल यूजर्स जो है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म इन लोगों को मिल रहा है वैसे जो है 49 नाइन रुपीज़ लेते हैं और एयरटेल म्यूज अगर आप एयरटेल की सिम यूज़ करते हो तो आप कॉलर ट्यून भी लगा सकते हो फ्री में अच्छी खासी चीज़ है और अगर आप इस वाली ऐप को फ्री में भी यूज़ करते हो ना तो अब भी आपको एच डी म्यूजिक मिलेगा ये बाकी लोग नहीं दे रहे इतने अच्छे लेवल पर मैंने पर्सनली फील किया इन लोगों की म्यूज़िक सजेशन भी बहुत अच्छी रहती है और साथ के साथ सर्च इंजन भी बहुत सही है और आप लोग को बता सकता हूँ हर तरीके का म्यूज़िक है यहाँ पर चाहे वो रीजनल हो या फिर रैप म्यूज़िक या फिर बॉलीवुड हर एक

यूट्यूब की ऐप यूज करोगे ना जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे होगे मेरी इसके ऊपर कभी ऐड नहीं आएंगे अगर आपन सिक्सटी रुपीज़ पर मंथ दोगे तो है ना भाई अमेजिंग वैल्यू मेरे हिसाब से सुपर वैल्यू फॉर मनी चीज है बट हाँ अगर आप चूज करते हो कि वन ट्वेंटी रुपीज पर मंथ देने हैं सिर्फ यूट्यूब म्यूजिक के लिए तो गाइज एक बात आप लोग को बता दूँ इसमें एक ऐसा यूनिक फीचर है जो कि बाकी ऐप्स नहीं देती कि आप इसमें वीडियोज भी मस्त चला सकते हो और सारे तरीके के गाने इसके अंदर जो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है वो यूट्यूब म्यूजिक पर भी अवेलेबल है किसी भी तरीके का पॉडकास्ट हो गया किसी भी तरीके का म्यूजिक हो गया चाहे वो नॉर्मल बंदे ने डाला हो हर एक चीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है लाइक like, लिटरली हर एक म्यूजिक है इसलिए बहुत ज्यादा सुपीरियर बन जाता है और इन दिनों में पर्सनली मैं ये यूज कर रहा हूं क्योंकि जो सर्च है, जो सर्च इंजन है 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 सजेशन वो टू गुड को मिल जाती तो तो भाई मैं तो वन वाला प्लान ले रखा आप भी वही लेना अब नंबर वन स्पॉट मैंने दिया है स्पॉटिफाई को अब गाइज यहां पर ये लोग जो है वन ट्वेंटी लेते हैं और आप पांच डिवाइस में इसको कनेक्ट कर सकते हो तो आप लोग अगर इसको शेयर करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही ग्रेट वैल्यू मिल जाती है क्योंकि स्पॉटिफाई पे बहुत ही तगड़ा जो है पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म भी बन चुका है ये और म्यूज़िक की जो सजेशन है मेरे हिसाब से स्पॉटिफाई ने किल कर रखा है इस इंडस्ट्री के अंदर मतलब स्पॉटिफाई वालों को ना एग्जैक्टली exactly पता है कि आपको क्या सुनना है ये खुद एक प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं और अगर आप एल्बम बहुत ज़्यादा सुनते हो तो एल्बम भी आप बिल्कुल शॉर्ट करके रख सकते हो मेरे हिसाब से स्पॉटिफाई ने अगर मैं म्यूज़िक क्वालिटी की बात करूँ तो सबसे ए काम किया हुआ है इससे अच्छा आउटपुट किसी और ऐप का नहीं है अगर सजेशन की बात करूं यहां पर इन लोगों ने अच्छा काम किया है यूआई भी इनकी इतनी ज्यादा कमाल की कि मैं आप लोग को क्या बताऊं बस साथ थोड़ा बहुत एटीन प्लस कॉन्टेंट देखने में मिल जाता है वो आई थिंक स्पॉटिफाई खुद फिगर आउट करेगा क्या करना है इनको लेकिन अगर मैं यहां पर वैल्यू फॉर मनी हाई क्वालिटी और बेस्ट सजेशन की बात करूँ तो भाई वो इंडिया में स्पॉटिफाई को ही जाना चाहिए ये जो है रैप वर्ल्ड के अंदर जो है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं तो स्पॉटिफाईज टू गुड यार और ऊपर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म है चाहे इंटरनेशनल सुनो या फिर अपना रीज जनल या फिर बॉलीवुड सब कुछ कवर कर रखा है स्पॉटिफाई ने तो यहां पर वीडियो खत्म हो जाती है गाइज प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सी ऐप यूज करते हो या फिर कोई म्यूजिक सर्विस यूज करते भी हो या फिर नहीं मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं और आप मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हो या फिर नहीं क्योंकि मैंने वर्स्ट से बेस्ट आप लोग को बताया है तो नीचे कमेंट जरूर कर कर जाना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और साथ में सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं अगले मिलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय गाइज you